दोस्तों शिक्षा विभाग हर साल पास प्रमोशन पॉलिसी में चेंज बदलाव करता रहता है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स के पास फेल कंपार्टमेंट मतलब रिजल्ट पर पड़ता है। इस सेशन 2024-25 में भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों के मन में मिड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा डाउट कन्फ्यूजन सवाल है, कितने नंबर वाला बच्चा पास माना जाएगा, कितने नंबर वाला बच्चा कंपार्टमेंट रहेगा, फेल किस बच्चे को माना जाएगा, क्या पास प्रमोशन पॉलिसी रहेगी इस साल, पीटीएम कब होगा। तो आपके सभी छोटे बड़े डाउट इस वीडियो से क्लियर होने, बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, कमेंट करने से पहले और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा क्लास ग्रुप में, ताकि सभी जो जिन भी बच्चों के पेरेंट्स के मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक कीजिएगा और चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में आपके लगभग जो भी आपकी क्लास है सबके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए होंगे। एक प्यारा सा कमेंट आप मुझे सबसे पहले ज़रूर करें कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप किस स्कूल से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारी वीडियो को कौन कौन से स्कूल में देखा जाता है। तो अपना स्कूल और अपनी क्लास ज़रूर कमेंट करें। 28 अक्टूबर तक मार्क्स अपलोड करने की लास्ट डेट डिपार्टमेंट ने रखी है, तो सिंपल सी बात है, 28 अक्टूबर से पहले आप मार्क्स की बात ही ना करें, क्योंकि करेक्शन मार्क्स में होता रहता है, चेंजेस कई बार रीचेक करना होता है, तो करेक्शन आगे पीछे मार्क्स 28 अक्टूबर तक टीचर्स कर सकते हैं, जो भी आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप टीचर्स अपने मार्क्स और कॉपियाँ देख ले पहले, 28 तारीख से पहले जो भी करेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। 28 अक्टूबर के बाद अगर आप मार्क्स देखेंगे तो उसमें चेंज नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 28 अक्टूबर के बाद डिपार्टमेंट आपके लिए पीटीएम रखेगा, हर साल पीटीएम होता है, इस साल भी ज़रूर होगा। पीटीएम का मकसद यही रहता है कि पेरेंट्स को भी पता चले आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो भी कम और ज़्यादा है, जो आप परेशान बिल्कुल ना हो पीटीएम को लेकर के, क्योंकि पीटीएम जो है पॉजिटिव वे में होता है, जिसमें पेरेंट्स को भी पता लगता है कि हमें बच्चे पर कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है, और बच्चे को भी समझ में आता है कि मुझे और कितने नंबर लाने हैं, साथ में टीचर्स भी थोड़ा सा इंश्योर हो जाता है कि किस बच्चे पर हमें कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि रिजल्ट अच्छा रहे। पीटीएम की जहाँ बात है, तो भैया पीटीएम जो है ना, मोस्ट जो चांस रहते हैं वो नवंबर 10-15 तारीख के बीच में लगभग पीटीएम का रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी चांस है। बाकी जैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी ऑफिशियल अपडेट आती है आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये तो रही बात पीटीएम की, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भैया कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, है ना। उससे पहले आप जो है अपने मार्क्स ज़रूर चेक कर लें, अपने कॉपियाँ ज़रूर देख लें, जहाँ भी कमियाँ रहेगी वो दूर करने के लिए फिर आगे आप अपनी प्लानिंग करेंगे। सिंपल सी बात है, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, क्लास में 33% मार्क्स रहता है क्राइटेरिया पास होने का, तो 33% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हैं। मान लीजिए आपके 60 नंबर का पेपर है 8वीं तक, तो 60 नंबर का 33 लगभग 20 के अराउंड में होता है, तो अगर आपके 20 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो आप पास हैं। अगर मैं 80 की बात करूँ तो यही आपका 27 हो जाता है, 80 में से ही 27 नंबर वाला बच्चा पास होता है नॉर्मली, है ना। ये है 33% का क्राइटेरिया। एसएससी के दौरान कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक सब्जेक्ट में पास होने पे आप दूसरे में पास कंसीडर कर दिए जाते हो, है ना। तो आप जो है एक तो नॉर्मल पास होता है, दूसरा बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। लेकिन एक और चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जो बच्चों के कई सारा सवाल होता है कि भैया मिड टर्म में मेरे कितने आए हैं तो मुझे फाइनल में कितने लाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मिड टर्म का और फाइनल एग्ज़ाम का एक मार्क्स कन्वर्जन रहता है, मतलब मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है मिड टर्म है, तो 80 नंबर का आपका पूरा ऑनलाइन नहीं चढ़ता है, मतलब 80 नंबर आपके कन्वर्ट हो करके आएंगे। तो 80 नंबर का पेपर सीधा लगेगा नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा। जो फाइनल एग्ज़ाम का आपका होगा, तो फाइनल में भी जो 80 नंबर है वो डायरेक्ट नहीं लगता है। तो जहाँ तक पिछली बार की बात करें,
पिछली बार जो 80 नंबर का पेपर था वो आपका 15 नंबर में कन्वर्ट हो गया था। अगर मैं आठवीं तक की बात करूँ तो आठवीं वाला भी 60 नंबर का 50 नंबर में कन्वर्ट हो गया था। तो जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका 50 नंबर का होगा। एंड जो बाकी आपके जैसे इंटरनल एग्ज़ाम है, इंटरनल असेसमेंट है ना, जो आपकी टीचर्स के हाथ में मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स होते हैं, टीचर्स आपके यूटीज वगैरह लेते हैं, तो उन सब के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है और क्लास वाइज आपको एक अलग से पास प्रमोशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाता है कि किस क्लास में कितना इंटरनल लगेगा, किस क्लास में फाइनल एग्ज़ाम का कितना परसेंटेज लगेगा और मिड टर्म का कितना वेटेज लगेगा। ठीक है, अगर आपको पिछले बार अभी इस साल का पास प्रमोशन पॉलिसी भी रिलीज़ हुई नहीं है और जैसे ही रिलीज़ हो जाएगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और चेक कर लीजिए कि क्या इस साल अभी पास प्रमोशन पॉलिसी आ गई है ना भाई। हो सकता है आप वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो, तब तक पास प्रमोशन पॉलिसी आ जाए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी। साथ में मैं थोड़ा सा हट के बात करूँ तो जो बच्चे अभी एट प्रेजेंट टाइम में आठवीं क्लास में हैं, जो बच्चे दसवीं क्लास में हैं, ये अपनी SSC की तैयारी भी अभी से आज से ही जारी कर लें, क्योंकि आठवीं क्लास और दसवीं क्लास के बच्चों का SSC एग्ज़ाम होता है 9th और 11th में एडमिशन के लिए। आप दिल्ली के बढ़िया जो SSC स्कूल है उसमें एडमिशन लेने का आपको मौका मिल सकता है, तो आप अपनी तैयारी आज से ही करें। रही बात मार्क्स कन्वर्जन की, तो देखिए 10th और 12th का अलग कन्वर्जन होता है, 9th और 11th का अलग कन्वर्जन होता है और 8वीं तक अलग कन्वर्जन होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको सिंपल सा पास होना होता है 33%, 80 में से 27 है तो ही पास माने जाओगे, 60 में से 20 है तो ही पास माने जाओगे, लेकिन अगर आप फेल हैं तो क्या फाइनल में फेल होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम का एक वेटेज लगेगा, ये लगभग 20 और 30 नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी आपके फाइनल मार्क्स जो एग्ज़ाम होता है उसके ज़्यादा वेटेज लगेगा। तो मिड टर्म एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो गए हैं इसलिए मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। हाँ, वेटेज ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपके कम मार्क्स आए तो अब क्या करेंगे आप, ये ज़रूरी है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, बढ़िया तैयारी करें ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। आठवीं क्लास में भी फेल होने का सिस्टम पिछले साल से ही शुरू हो गया, इस साल भी ये कंटिन्यू रहेगा। डिपार्टमेंट का पता नहीं है, पता लगे 7th और 6th में भी फेल करना शुरू कर दें, तो आप बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फेल के चक्कर में ना रहें बल्कि अच्छे नंबर लाने के चक्कर में रहे, उसकी तैयारी करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, आपको फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो पास प्रमोशन पॉलिसी है और जो रिजल्ट है वो मिड टर्म एग्ज़ाम को, फाइनल एग्ज़ाम को, इनको सबको मिला करके मार्क्स देखे जाते हैं, फिर आपका आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स, और कुछ आपको 25% मार्क्स के साथ में पास कर दिया जाता है। पास प्रमोशन पॉलिसी जैसी आएगी उसके आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी आप इतना समझें कि आपको मिड टर्म एग्ज़ाम में पास तो होना है, लेकिन अगर आप रह गए हैं कुछ नंबर से तो आप अब अगले फाइनल की तैयारी करेंगे। पास प्रमोशन पॉलिसी जैसी आएगी आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा, बाकी इंटरनल असेसमेंट में भी आप अपने अच्छे मार्क्स रखें, कॉपी वगैरह बनाई जाती है, फाइल वगैरह बनवाई जाती है, जो भी टीचर्स क्लास में टेस्ट वगैरह लेते हैं इन सब में आप अपना बेस्ट दें, आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात 10th और 12th की, तो भैया 10th और 12th का तो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स लगते हैं, फ़िलहाल उनके मिड टर्म एग्ज़ाम का वेटेज उनको कोई मिलता नहीं है, है ना। 9th और 11th को अलग सीन है और 8वीं तक अलग है, बट आपको जो है 27% से आपका रिजल्ट बनेगा मिड टर्म में। कुछ और डाउट कन्फ्यूजन रहता है आपका तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मान लीजिए आप मिड टर्म एग्ज़ाम में एबसेंट थे, किसी एग्ज़ाम में नहीं दे पाए एग्ज़ाम, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें एबसेंट मार्क कर दिए जाते हो, आप उसमें जो है मेडिकल आपका वगैरह लग जाता है और आपका जो फुल वेटेज है वो फाइनल एग्ज़ाम से ही लगता है, आप मिड टर्म एग्ज़ाम को आपका जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो भाई वीडियो को शेयर कर दो और कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सारे नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालें। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।